बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर शामिल करेंगे। इमिग्रेशन ऑफिसर की जानिब से सफरी दस्तावेजात की रीचेकिंग का ये मामला है। अमला मुसाफिरों को इमिग्रेशन के बाद री इमिग्रेशन चेकिंग नहीं करेगा। स्पेशल चेकिंग के लिए 2005 से नाफिजुल अमल ऑर्डर के बिला जवाज इस्तेमाल का नोटिस। स्पेशल चेकिंग पर मामूर अफसरान के लिए नया ज़ाब्ताकार तश्कील दे दिया गया। री चेकिंग से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। स्टैंडिंग ऑर्डर में ये कहा गया मशकूक अफराद के अलावा मुसाफिरों के दस्तावेजात की री चेकिंग पर पाबंदी लगा दी गई। खवातीन, बच्चे, बूढ़े, माजूर, बीमार अफराद री चेकिंग से मुस्तस्ना करार दिए गए, जबकि 10% से ज़्यादा अफराद को री चेकिंग से ना गुजारा जाए। स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट हुकाम को स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 31 के जरिए आगाह भी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला की हिदायत के बाद नया स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है, ज़राए का बताना है। आपको बताते चलें कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। इमिग्रेशन अफसर की जानिब से सफरी दस्तावेजात की री चेकिंग के मामले पर अमला मुसाफिरों को इमिग्रेशन के बाद री इमिग्रेशन चेकिंग नहीं करेगा। जी हाँ, री इमिग्रेशन चेकिंग नहीं की जाएगी। अपडेट्स लेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा इस हवाले से नया हुक्मनामा आ चुका है। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है, वो सामने आई है। FIA हुकाम ने इमिग्रेशन के स्पेशल चेकिंग अफसर की तरफ से जो सफरी दस्तावेजात की री चेकिंग का मामला था, जिसके ऊपर एयरपोर्ट इमिग्रेशन का अमला जो है वो मुसाफिरों की इमिग्रेशन के बाद जो री इमिग्रेशन है उसकी चेकिंग है वो नहीं करेगा। और इस हवाले से स्पेशल चेकिंग के लिए 2005 से जो नाफिज अमल स्टैंडिंग ऑर्डर के बिना जवाब इस्तेमाल का नोटिस है वो ले लिया गया है। और वज़ीर दाखिला रशीद अहमद की तरफ से नोटिस लिया गया, जिसके बाद चेकिंग पर हिंदुस्तान के लिए दिया गया है। तमाम मुसाफिरों की री चेकिंग से मुसाफिरों को जो है मुश्किल का सामना, जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला रशीद अहमद की तरफ से नया हदायतनामा है वो जारी किया गया है, जिसके बाद FIA इमिग्रेशन की तरफ से ये हदायतनामा है वो लाहौर समेत तमाम एयरपोर्ट हकाम को है वो जारी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका।